हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आप क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैपी टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो हम आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव और एनहांस कर सकते हैं। ये टास्क बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, और सुबह 8 बजे आपको एक छोटी सी वीडियो मिल जाती है जिसमें आप लोगों को बता दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज आपकी तैयारी का यहाँ पर 45वां दिन देखने को मिलेगा, और 31 अगस्त है यहाँ पर। तो आज आपको हिस्ट्री 12th क्लास की जो हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, हिस्ट्री एनसीईआरटी, वो आप लोगों को पढ़नी है। ये देखिए, कल हम आपको पार्ट नंबर 1 बता दिए थे, गलती से पार्ट नंबर 2 में ही वो चैप्टर देखने को मिलेंगे जो कल, वैसे आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, आपको देखने को मिलेगा द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगी। और कल भी पार्ट 2 के ही हमने चैप्टर दिए थे, ओके, लेकिन पार्ट 1 वहां पर लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, वैसे आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो देखिए, आपको इसमें आपको लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8, ये दोनों के दोनों लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहले में लेसन नंबर 7 में विजयनगर के बारे में बताया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और 8 में आपको इसमें बताया गया है कि जो जमींदार थे, स्टेट यानी कि राज्य, और साथ में जो किसान सोसाइटी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, दोनों के दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब हम आपको पढ़ेंगे तो वैसे हम इन टॉपिक्स को भी कवर करा देंगे, वहां पर प्रॉपर नोट्स आप लोगों के बनवाए जाएंगे। इसके अलावा देखिए, आप लोगों को रिविजन भी करना है, तो रिविजन आपको दो चीजों का करना है। एक तो आपको टास्क नंबर जो 6 हम दिए थे, तो कल भी आप लोग रिविजन करने के लिए देते, उसका आगे का आज आप लोग को रिविजन कर लेना है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी टास्क दिया करें उसे एक पेज पर डेली लिखते रहिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि आज हमको क्या रिविजन करना है, जिससे आप लोग सिस्टमेटिक रूप से तैयारी कर पाए। फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं, टास्क नंबर 6 में हम आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास जो फिजिकल ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी, वो आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दिए थे, तो उसका आप लोगों के लिए 1/4 पार्ट है, वो आगे का रिविजन कर लेना है, ओके। इसके अलावा कुछ मैपिंग लोकेशन भी आपको दी थी, तो उन मैपिंग लोकेशन को भी समय के साथ में रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा एक और आपको रिवीजन करना है, इकोनॉमिक्स का भी रिवीजन करना है। तो हम आपको जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर लाइव लेक्चर पढ़ाए थे, सारी क्लासेस कवर करा चुके हैं इकोनॉमिक्स की, तो आपको जो क्लास नंबर 5 थी उसके जो आपको नोट्स बनवाए थे, वो नोट्स से आप लोगों को रिवाइज करना है, वीडियो से रिवाइज नहीं करना है। अगर कोई भी चीज भूल जाते हैं तो जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपने नोट से ही रिवाइज करिएगा। और जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं की वो क्या करें, तो आप लोग जाकर के आप लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज है वो कवर करिएगा। आज एक लेक्चर आप लोगों को कवर करना है उसके जगह पर, जिससे आप लोग भी उस लेवल पर आ जाए जो और भी उस स्तर पर है, ओके। तो आप लोगों के लिए क्या करना है, क्लास करना है, जो न्यू स्टूडेंट है, जो पुराने स्टूडेंट है, उन्हें अपने नोट से रिवाइज करना है। इसके अलावा आज आपको जो न्यूज़पेपर है, आज का जो न्यूज़पेपर है यानी कि आज का जो अखबार है, उसकी महत्वपूर्ण जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सभी आप लोगों के लिए पढ़नी है। नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हम आपको कुछ दिनों के बाद में नोट्स बनाने के लिए दिया करेंगे, और उसके बारे में भी बताएंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा देखिए, आपकी लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारी चलेंगी, इसमें 2 लाइव क्लास होंगी, 3 बजे दोपहर में होगी और एक शाम को 6 बजे आप लोगों की लाइव क्लास होगी। शाम को 6 बजे IR की क्लासेस चलती है, बहुत ही प्रीमियम क्लासेस चल रही है, आकर के आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए, हम लोग मैपिंग लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, कल हम आपको जो नील नदी है उसके बारे में पढ़ने के लिए दिए थे, बहुत सारी लोकेशन थी जो आपको सर्च करके लोकेट करनी थी। आज भी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो नदियां हैं अफ्रीका की, फिजिकल मैप पर आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी, उन्हें आप लोगों के लिए यहाँ पर लोकेट करना है। पहले एटलस में खोजना है, एटलस में खोजने के बाद में एक मैप बनाना है, उस मैप पर आपको लोकेट करना है। वैसे हम लोग बाद में हम मैपिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में सविस्तार बताएंगे, अभी आपको सिर्फ लोकेशन देख लेना है। तो देखिए, पहली रिवर आपको ऑरेंज रिवर देखने को मिलेगी। देखिए, ऑरेंज रिवर का है जो अफ्रीका का आपको फिजिकल मैप देखने को मिलेगा, तो उसके एकदम साउथ में आ जाइए, दक्षिण में आ जाइए, तो आपको आराम से यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, इस तरह से ऑरेंज रिवर आपको देखने को मिलेगी। ऑरेंज रिवर है, इसकी 2 एक तरह से सहायक नदियां हैं, वो आकर के मिलती हैं, फिर जाकर के ऑरेंज रिवर का निर्माण होता है। एक तरफ आप देख सकते हैं ऑरेंज लिशुथो, और साथ में जो बाल है ये हाईलैंड से निकलती है जाकर के, ओके, जो चाप हाईलैंड आपको देखने को मिलेगा उसी से निकलती है। तो ये दोनों रिवर ऐसे जाती हैं और ऐसे करके आपस में मिलती हैं, और मिलने के बाद में इस तरह से ऑरेंज रिवर का निर्माण करती हैं, ओके। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपको कुनेन नदी देखने को मिलेगी। कुनेन कहाँ पर है, आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे तो इस तरह से आपको कुनेन रिवर आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए, यहाँ पर देखने को मिलेगी क्वांज। देखिए, क्वांज है वो, इसके थोड़े से और ऊपर जाएंगे तो आपको क्वांज रिवर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ये दोनों के दोनों जो बी प्लेटू हम आपको पढ़ाए थे,
तो बी प्लेटियो से दोनों की दोनों रिवर ये निकलती हैं। फिर ऊपर जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर कांगो रिवर, कांगो रिवर काफी इंपॉर्टेंट रिवर आपको अफ्रीका की देखने को मिलेगी, और एक ऐसी रिवर है जो बिस्वत रेखा को दो बार काटती है, एक ही नदी है ये, देखिए बिस्वत रेखा को एक बार यहाँ पर काटती है और एक बार यहाँ पर काटती है, और जहां पर बिस्वत रेखा को ये प्रथम बार काटती है वहां पर एक ये वाटरफॉल भी बनाती है, यानी कि ये वाला जो लोकेशन है ना, मैं थोड़ा साइड साइड जाता हूँ अगर मुझसे छप जा रहा हो तो, देखिए ये पहली बार जहां पर ये बिस्वत रेखा को काटती है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसको काटती है, वहां पर यहाँ पर बोया बोएमा फॉल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बोएमा फॉल्स आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कहाँ पर है, कॉन्गो रिवर पर बोएमा फॉल आपको देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए इसकी ये कुछ सहायक नदियां हैं आपको देखने को मिलेगा, देखिए जैसे युबांगी है वो आकर के इस तरह से पहले आकर के मिलती है उबांगी, और फिर देखिए जो ये दो नदियां हैं ये पहले एक साथ में एक इस तरह से आती है, देखिए जो कैसी है और साथ में यहाँ पर क्वांगो है, तो क्वांगो कैसी दोनों आपस में आकर के मिलती है, और मिलने के बाद में फिर कांगो रिवर से आकर के मिलती है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और ये उबांगी है, उबांगी देखिए इस तरह से आकर के ऊपर से मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप लोगों को देख लेनी है, और फिर उसके बाद में देखिए आप लोग नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर उगई रिवर देखने को मिलेगा, देखिए जो उगई रिवर है वो कहाँ पर है, वो देखिए जो बिस्वत रेखा है ना कांगो रिवर के ऊपर जाएंगे तो ये बिस्वत रेखा है, तो बिस्वत रेखा के नीचे ही, बिस्वत रेखा को ये नहीं काटती है, बिस्वत रेखा के नीचे ही आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर उगई रिवर देखने को मिलेगी। और देखिए जो इतनी सी सारी हमने रिवर बताई हैं, इस सारी की सारी रिवर हैं ये दक्षिण अटलांटिक महासागर से आपको संबंधित देखने को मिलेगी, देखिए ये 0 डिग्री की रेखा है तो 0 डिग्री की रेखा से नीचे ही आपको देखने को मिलेंगी, दक्षिण में देखने को मिलेंगी, तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ओके, इसीलिए हमने ऊपर की रिवर हमने अभी नहीं दी है, आप कहेंगे सर ऊपर की भी दे देते, तो इसलिए आपको एक सिस्टमेटिक रूप से सारी चीजें दी जाती हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको पढ़िएगा, एक बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, देखिए थोड़े से नाम होंगे वो डिफिकल्ट लगेंगे आपको क्योंकि अफ्रीका है भारत नहीं है, और साथ में आप लोगों को इसी तरह से रिवाइज करते रहना है, और इसके बारे में सब विस्तार में हम लोग जब क्लासेस लेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा, अभी आपको सिर्फ इतना ही काम है कि आप लोग इसकी लोकेशन को अच्छे से देखें, संडे को आप लोगों का टेस्ट है वो सॉल्व कराया जाएगा, फिर इस संडे के बाद से मतलब आप लोगों को सप्ते में 2 बार टेस्ट सॉल्व कराया जाएगा, एक आपको सॉल्व कराया जाएगा बुधवार को और एक सॉल्व कराया जाएगा रविवार को, और 10 बजे टाइमिंग सेम रहेगी, 10 बजे ही 10 AM पर रहेगी, तो एक बार रविवार को सॉल्व कराया जाएगा और एक बार आपको देखने को मिलेगा कि हम बुधवार को भी सॉल्व किया करेंगे। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोग ये क्लास होती है IR की क्लास, इसको आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 6 बजे 6 PM पर एक क्लास है ये चलती है, और ये सारा जो टास्क है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोग लिए इस तरह से दिया जाता है, सारे सब्जेक्ट इस तरह से वन बाई वन आप लोग के लिए कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा 3 बैचेस है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए, हमने यूट्यूब चैनल पर ही इस बार लॉन्च किए हैं, ऐप पर ही क्लासेस नहीं चलेंगी, आप क्लासेस का शेड्यूल है वो आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से सारी क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। UPPCS फिनिश हो जाएगा जल्द ही, फिर आप लोगों का BPCS की आप लोगों की क्लास चला करेंगे। चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, आप एक बार ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें, आप लोगों के लिए हम प्रीमियम कंटेंट है वो इसी तरह से हमेशा लाते रहेंगे। ओके।